हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया मैच विनर के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करने से पहले गाइज, आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और द बैटिंग प्रिंसेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ से बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने देखा होगा मेरे 90% मैच विन हुए हैं। उम्मीद रखती हूँ आगे भी मेरे मैच ऐसे ही विन होते रहेंगे और आप भी प्रॉफिट में ही रहोगे। तो अपन को प्रॉफिट का ही सोचना है, यहाँ पर लॉस होने का नहीं सोचना है। ओके गाइज, तो चलिए आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। ओके, तो चलिए अपन बात करेंगे पिच रिपोर्ट के लिए। पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, यहाँ पर अगर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग पे आएगी उसका 43% विनिंग का रेशियो रहेगा। ओके, और जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका भी 43% विनिंग का रेशियो रहेगा। देखा जाए तो दोनों का पलड़ा सेम रहेगा गाइज, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड बैट टीम आने वाली है उससे अधिक पलड़ा फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसका रहेगा। तो आप फर्स्ट बैट पर जो टीम आती है उसी को ज़्यादा सपोर्ट में रखेगा। ओके गाइज, तो आगे पैच और स्पिन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी तेज़ बॉल फेंकेगा उसके 49% विकेट लेने की संभावना बनेगी और जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके 51% विकेट लेने की संभावना बनेगी गाइज। तो यहाँ पर जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके विकेट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनेगी, वो पलड़ा भारी रहेगा। ओके, आगे अपन टीम फॉर्म के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने इसकी 5 मैच लूज गए हैं और इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 4 बार विन हुई हैं, 1 बार लूज गई हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी टीम रहेगी इंडिया। तो आपको भी इंडिया को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखना है। बाकी के अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर लिंक पर क्लिक कीजिएगा और जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ओके गाइज, तो वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि आपको वहाँ से बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी फिलहाल इंडिया को ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।